जी आप सौरभ जी, आप शुरू करें आज का कार्यक्रम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट के संयुक्त तत्वाधान में 21वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित इस वेबिनार में मुख्य वक्ता आदरणीय विक्रांत खंडेलवाल जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र चंडीगढ़ है। हम सबके बीच में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी शायद अभी जुड़े नहीं, अभी जुड़ेंगे। आप हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकुला के उपाध्यक्ष एवं निदेशक हैं। हम सबके बीच में डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा प्रांत के प्रांत अध्यक्ष एवं एनआईटी कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। हम सबके बीच में आशुतोष अंगिरस जी हैं, आप एसडी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैं आशुतोष आंगिरस जी से निवेदन करूंगा कि वह कार्यक्रम की भूमिका के लिए आए। धन्यवाद सौरभ जी। मैं भूमिका के रूप में तो बल्कि दो शब्द ये कहना चाहूंगा कि ये दायित्व अगर यहाँ नेट कनेक्शन काफी दिक्कत दे रहा है, बाद में करूंगा बात। अभी नेट कनेक्शन की दिक्कत है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सुबह से ही काफी परेशानी सी है। तो अगर मैं बीच में से अगर कहीं पे मैं डिसकनेक्ट होता हूँ तो भी आप लोगों का ये कंटिन्यू रहेगा, तो प्लीज आप इसमें जुड़े रहें। लेकिन मैं अपनी बात आरंभ करना चाह रहा था कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं और इस तरह के जो महान व्यक्तित्व हैं उनका निर्वहन करना, उनको उनके विषय में एक समाज में चेतना लाना, जागरूकता लाना, ये अगर एबीवीपी नहीं करेगी तो और कौन कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये उनका दायित्व भी है। और मैं साथ में मेरे मन में ये भी आ रहा था कि क्या कभी ये संभव होगा कि इस देश के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के या अन्य जितने भी लोग हैं, कभी इन लोगों को जो भारतीय, नितांत भारतीय हैं, उनको स्वीकृति कभी प्रदान करेंगे कि या नहीं करेंगे। तो ये एक मन में विचार मेरे भी था, लेकिन इस दौरान ये एक मौका मिल गया है कि हम लोग बाकी करते हैं या नहीं करते इसको ना देखें। हम तो कम से कम जहां से हमें मार्गदर्शन मिल सकता है, जिन लोगों की परंपरा जो हमें कुछ ना कुछ वही कठिनाई चल रही है, लेकिन मुझे लगता है आज कुछ कठिनाइयों के साथ ही हमें सारा ये कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। हमारे साथ कोई बात नहीं। अंबाला भारत विकास परिषद के अध्यक्ष प्रदीप खेरा जी भी जुड़ चुके हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एसटी कॉलेज अंबाला कैंट की ओर से। तो चर्चा को उसी तरह से कंटिन्यू करते हुए, ताकि फिर दोबारा बीच में कोई विघ्न ना पड़े, मैडम सुरेखा प्लीज आप शेयर ना करें स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को हटा लीजिए, कृपया अपनी स्क्रीन ना शेयर करें, क्योंकि उससे फिर बाकियों को विघ्न होगा। तो
जो चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा था वो यही थी कि जब हम ऐसे महान लोगों के, ऐसे विशेष लोगों के विषय को आयोजित करते हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक बड़ी विशेष बात ये होती है कि उनका दर्शन क्या रहा है। इस दर्शन शब्द को हम कैसे समझें, इस बात को समझ करके फिर हम अग्रसर होते हैं। सेकंड सर, मुझे दोबारा से यहाँ डॉक्टर प्रदीप जी, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो उसका शोर आ रहा है। तो जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जो टेक्निकली आप सभी जानते हैं कि दर्शन का अर्थ हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है फिलॉसफी, वो एक टेक्निकल अर्थ है, वो यहाँ अभिप्रेत नहीं है। जब हम बात करते हैं दर्शन की, तो दूसरा दर्शन का जो भारतीय अर्थ होता है कि जब आप किसी देवता का दर्शन करने जाते हैं, वहां आप भोग लेकर के जाते हैं और प्रसाद लेकर के वापस आते हैं, तथास्तु लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही विषय के ऊपर जब हम दर्शन की बात करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वामी विवेकानंद से उस दर्शन को, उनका उस अर्थ में दर्शन करना चाहते हैं जहां विवेक से आनंद उत्पन्न होता है। हम उनको उस दर्शन को समझना चाहते हैं जिससे उन्होंने विवेक से होते हुए उस आनंद की बात की है, जिससे एक स्वस्थ और समृद्ध समाज बन पड़े, जहां दोषों का अभाव हो, ऐसे हम समाज की ओर अग्रसर हों। तो इस अर्थ में हम उनके जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं, और जीवन दर्शन की बात इसलिए करना भी आवश्यक है आज के दिन में कि ताकि जो लाइफ मैनेजमेंट के नाम पर जिस तरह के कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं, उनको भी हम ठीक से समझ सकें कि वो होते क्या हैं, और जो ये हमारे भारतीय परंपरा से उठ करके आए हुए तेजस्वी लोग हैं, इन्होंने लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ विजन क्या दिया है कि वस्तुतः जीवन क्या है। अब इससे पूर्व की और आगे की बात करें, साथ ही हमें यह भी देख लेना होगा कि 21वीं शताब्दी को आप परिभाषित कैसे करते हैं, क्योंकि जीवन दर्शन का संदर्भ हमें आज के संदर्भ में लेना है कि 21वीं शताब्दी को कैसे परिभाषित करेंगे। क्या आप इस शताब्दी को, जिसे विकास की शताब्दी कहते हैं, उसके अंतर रहने वाले अनेकानेक जो असंबद्धताएं हैं, जो द्वंद्व हैं, क्या उनको हम पहचानते हैं, और उनको पहचानने में क्या स्वामी जी का जो जीवन दर्शन है वो हमें को मार्ग सुझाता है, या उसके विषय में वो हमें क्या ज्ञान प्रदान करती है। इन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, और उस में हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा वो श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, जो उत्तर क्षेत्रीय संगठन के मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनके हमें विचार सुनने को मिलेंगे, और उसके ऊपर जो अध्यक्षीय टिप्पणी रहेगी वो श्री डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी की, जो उपाध्यक्ष हैं और निदेशक हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी के पंचकूला से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एसटी कॉलेज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथ ही जो अंतिम हमें जो टिप्पणी मिलेगी और धन्यवाद ज्ञापन भी रहेगा, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी का रहेगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। तो इससे पूर्व कि मैं आज के प्रथम मुख्य वक्ता को आपके साथ आमंत्रित करूं चर्चा करने के लिए, उससे पूर्व एक दो बातें जो जानते हैं, जिनको हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त उनका मूल नाम था, और 1863 में उनका जीवन आरंभ होता है, और बाकी सब चीजें आप जानते हैं, मैं उनको दोहराने में समय नहीं ले जाना चाहता। लेकिन एक बात और मैं कह करके आमंत्रित करूंगा श्री विक्रांत खंडेलवाल जी को,
क्योंकि इसको युवा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी। तो कभी हमने ये सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से कि युवा होना क्या होता है? तो वो जिस तरह से परिभाषित करते हैं, दो तीन बातें मैं परिभाषित कर दूं और उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता आरंभ करेंगे अपनी बात। आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर है, काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, और जो समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, तो ये युवा है। तो इस युवा की परिभाषा को भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन दर्शन में ये युवा होना क्या होता है, इस बात को हम आज समझेंगे। लगभग एक घंटे का ये कार्यक्रम है और उसमें जो चर्चाएं हमारे सामने उभर कर आएंगी उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है पुनः। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री विक्रांत खंडेलवाल जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। आदरणीय नमस्कार। समय के साथ साथ में विषय की प्रासंगिकता समय को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है और उसी समय किया हुआ विचार जो होता है वो सामने वाला व्यक्ति सहजता के साथ उसे ग्रहण करने में मुझे लगता है कि ज्यादा तैयार होता है। इस वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथिगण, आयोजक सभी का मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। कल हम सभी लोगों ने पूरे देश भर में, विश्व भर में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जन्म जयंती मनाई है। निश्चित रूप से ही किसी भी महापुरुष को इतने वर्षों के बाद याद करने का, उन्हें स्मरण करने का कोई विशेष कारण होते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, आते हैं, जाते हैं, और खास बात यह है कि जो हमारे लिए, अपने लिए सब कुछ करते हैं, हमारे पिताजी, दादाजी, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उनको भी हम कुछ वर्षों के बाद में लगभग भूल जाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो विराट व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो लोग केवल अपने और अपने परिवार के बारे में नहीं सोच करके समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच का, उनके विचारों का एक व्यापक प्रभाव होता है और वो विचार जो होते हैं वो हर युग में अनुकूल होते हैं। इसलिए आज भले ही हम 21वीं सदी में स्वामी जी के, विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता पे बात करें, लेकिन स्वामी जी के विचार हर युग में प्रासंगिक रहे हैं, रहेंगे। उनके जन्म के समय की परिस्थितियों को यदि देखेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 1857 का जो क्रांतिकारी युद्ध था, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो संग्राम कुछ गलतियों के कारण, कुछ समय की
अनुशासनहीनता के कारण और अलग अलग कारणों से वो सफल नहीं हुआ और वो एक बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में उस समय के क्रांतिकारी थे, लेकिन सब लोगों का एक साथ नहीं आने के कारण वो आंदोलन असफल हुआ, वो क्रांति असफल हुई। और उसके बाद में अंग्रेज सरकार ने इस क्रांति में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके कठोरतम दंड दिया, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ। और उन परिस्थितियों में पुनः पुनः देश की स्वतंत्रता की अलख जगाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती समाज के सामने थी। और ऐसे समय में हमारे पास एक ही माध्यम था, आध्यात्म के भाव से, शिक्षा के भाव से गांव गांव में जाकर के धर्म के माध्यम से एक चेतना जागृत करना। और उस दौर में अनेक संतों का नाम आता है जिन्होंने अपने अपने तरीके से समाज सुधार के आंदोलनों को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग मत संप्रदाय के काम को भी आगे बढ़ाते हुए, विचार को आगे बढ़ाते हुए, उन सब के मूल में कहीं न कहीं देश की स्वतंत्रता की एक इच्छा शक्ति उनके विचारों में झलकती थी। देश मजबूत क्यों होना चाहिए, तो उसका साफ कारण था कि हमारा देश गुलाम है और उसको गुलामी से मुक्ति दिलानी है। लेकिन उस आजादी की लड़ाई को सबके सामने आके लड़ना उस युग में, उस समय में बड़ा मुश्किल था। और इसलिए उस समय के महात्माओं ने, महापुरुषों ने, नायकों ने समाज में जाकर के व्यक्ति व्यक्ति से बात करके राष्ट्र के भाव का जागरण करने का काम किया। और ऐसे समय में ही स्वामी विवेकानंद का अवतरण होता है, एक बालक नरेंद्र के नाम से। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला बालक नरेंद्र अपने बचपन की सभी प्रकार की मस्तियों को करते हुए जवान होता है। पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, घर में सब साधन सुविधाएं थी, सब प्रकार से संपन्नता के साथ साथ उसका जवान बचपन निकलता है। लेकिन विधाता को शायद यह मंजूर नहीं था कि कोई आदमी बिना संघर्षों के आगे बढ़े, और इसी दौरान उनके पिता की जवानी में मृत्यु हो जाती, देहांत तो हो जाता है। और तब उनके जीवन में कठिन दौर शुरू होता है, घर परिवार के झगड़े, आपसी रंजिशें, सब मिलाकर के जो एक सामान्य परिवारों में होता है वो नरेंद्र के परिवार में भी हुआ। एक समय ऐसा आता है जब उसके परिवार में सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी चुनौती बन जाती। वो मेधावी छात्र, वो प्रतिभावान विद्यार्थी भी अलग अलग जगह जाकर के नौकरी के लिए आवेदन देता है, लेकिन भाग्य को शायद और ही कुछ मंजूर था, इसलिए उसके नौकरी के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता। उसका मन भी इस प्रकार की चीजों में नहीं लगता था। वो भी एक साक्षात्कार करने वाला बनना चाहता था, ईश्वर से साक्षात्कार करूंगा, ईश्वर को पहचानूंगा, ईश्वर को देखना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। युवावस्था में उसके मन में एक विचार आया और इसी के लिए योग्य गुरु की तलाश उस दौर में शुरू हुई। हम सभी जानते हैं, तथ्य बताते हैं कि 1881 में पहली बार नरेंद्र अपने पड़ोस के किसी घर में आचार्य रामकृष्ण देव को देखते हैं, उनका भजन सुनते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं। गुरु ने भी उसको पहचान लिया था, उसके अंदर प्रतिभा देखी, उसको गाना गाने के लिए प्रेरित किया।
गीत गाया और अधिक विश्वास हुआ, यही वो व्यक्ति है जो मेरे विश्वास को पूरा करेगा, मेरी साधना को आगे बढ़ाएगा और इस समाज के दुख दर्द संकटों को दूर करने में अपनी भूमिका निभाएगा। कालांतर में यात्राएं चलती रही, हम सब देखते हैं, जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रामकृष्ण देव उनके गुरु और अपने शिष्य को उन्होंने किस प्रकार से अपने आश्रम में स्वागत किया, उसको संवारा, उसको तैयार किया। एक आत्मविश्वास के साथ उन्होंने दावा किया कि मैंने ईश्वर को देखा है और मैं तुम्हें ईश्वर दिखा सकता हूं। जब इतना स्पष्ट उत्तर मिला तब वो विद्यार्थी नरेंद्र उस गुरु के प्रति समर्पित हुआ। जब गुरु का ज्ञान देखा, गुरु का मान देखा, गुरु की आध्यात्मिक शक्तियां देखी, अनुभव किया और अपनी इच्छाओं के लिए गुरु के पास गए, लेकिन मां काली से जब मांगने की बात आई तो उनका भाग्य, उनका मन केवल ज्ञान शक्ति और वैराग्य मांग सकता। ऐसी परिस्थितियों में एक परंपरा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति रामकृष्ण देव को मिला नरेंद्र के रूप में, और हम सभी जानते हैं अपने साथियों के साथ उन्होंने गुरु की महासमाधि के बाद अपना संन्यास ग्रहण किया, परिव्राजक होकर के पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, हर चीज को निकटता से देखा और इस प्रकार से अनुभव किया और जाकर के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी में जाकर के शिला स्मारक पे बैठ करके 3 दिन तक चिंतन किया, 48 घंटे चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में उन समस्याओं का समाधान ढूंढा। ऐसा एक विराट व्यक्तित्व जिसने भारत की भारतीयता को, भारत की आत्मा को निकटता के साथ में अनुभव किया, उसके अनुरूप अपना जीवन जिया, ऐसा समाज में बिरले ही देखने को मिलते हैं। देखते हैं हम लोग कि दुनिया में सभी महापुरुषों के कुछ न कुछ अनुयायी होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी पूरी दुनिया अनुयायी है, उनको आदर्श मानती है अपना। आज हम सब लोग भी इतने वर्षों के बाद में उनकी वैचारिक क्रांति को, जो उन्होंने उस दौर में जब देश को शायद सर्वाधिक आवश्यकता थी, जागरण की आवश्यकता थी, सामाजिक जागरण की आवश्यकता थी, लाखों लाखों युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि गुलाम भारत की इस आजादी की लड़ाई में अपने अपने तरीके से आप लोग काम करिए, और उनसे प्रेरणा लेकर के काम करने वाले लोगों की एक बहुत लंबी सूची है। चाहे हम भगत सिंह जी को पढ़ते हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा ली है। उनसे प्रेरणा लेकर के तो विश्व के अनेक लोग भारतवर्ष में आकर के भी अपना जीवन लगाया। ऐसा एक संगठन, संस्था रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और उसके माध्यम से उनके विचारों को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके संदेशों को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम मिशन के माध्यम से, विवेकानंद केंद्र के माध्यम से और भी अनेक संस्थाएं जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है, हम सब के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज के अवसर पर हमारा एक विशेष संदर्भ में इनके बारे में चर्चा करने का उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि 21वीं सदी में स्वामी जी के विचारों की प्रासंगिकता क्या होगी, तो हमें ध्यान में आएगा, हमें ध्यान करना होगा, विचार करना होगा कि 21वीं सदी यानी क्या। जब पूर्व वक्ता चर्चा कर रहे थे 21वीं सदी के बारे में, तो मेरे मन में एक विचार कौंधा कि 21वीं सदी भारतवासियों के लिए अवसर का नाम है। बहुत लोग कहते हैं हमारे देश की जनसंख्या समस्या है,
देश की समस्याओं के बारे में जब चर्चा करते हैं तो बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या जो है समस्या है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा सोचना ऐसा मानना सिरे से गलत है। जनसंख्या कभी भी किसी के लिए समस्या नहीं हो सकती, जनसंख्या हमारी ताकत है। आज यदि भारत विश्व भर में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रहा है, विश्व के लोग आज भारत की सुनते हैं, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत की दुनिया के अंदर एक पहचान बन रही है, आज भारत की विचारों को दुनिया के अंदर मान्यता मिल रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप और हम सबको भूलना नहीं चाहिए, हमारी जनसंख्या उसका एक बड़ा आधार है। और ये जनसंख्या ही है जो हमें एक ताकत प्रदान कर रही है, लेकिन इस जनसंख्या को सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सही सोच के साथ जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उनका आह्वान था मनुष्य निर्माण करना। एक बार एक ग्रीस के विद्वान दिन के अंदर भरी दोपहरी में लालटेन लेकर के घूम रहे थे, जली हुई लालटेन लेकर के मार्केट में घूम रहे थे। लोगों ने उसके ऊपर हंसी, हंसते रहे, क्या कर रहा है, क्या हो गया इसे। किसी ने पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं मनुष्य ढूंढ रहा हूं। भरी भीड़ में वो दार्शनिक कहते हैं कि मैं मनुष्य ढूंढ रहा हूं, अर्थात क्या ढूंढ रहे हैं। हम सभी जानते हैं मानव के रूप में जन्म लेना अपने मानव जीवन को केवल पूर्णता प्रदान नहीं करता। ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्होंने अपने मानव जीवन के जो उद्देश्य थे उनके लिए उनके पास समय नहीं है। एक मशीन की तरह अपना जीवन जीने वाला बहुत बड़ा समाज है जो केवल अपने लिए जीना चाहता है, जो केवल अपने लिए जीना जानता है और उसी में अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ति मानता है। लेकिन किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तब हमारा मनुष्य का धर्म जो है, जीवन जो है, वो सफल होता है। और ऐसा ही मनुष्य निर्माण की बात स्वामी विवेकानंद ने अपने संपूर्ण साहित्य में कही है। उन्होंने बहुत अलग अलग प्रसंगों में केवल इसी बात पे जोर दिया है कि जो सारी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जो है चरित्रवान युवा करेगा, देशभक्त युवा करेगा, स्वस्थ प्रसन्न युवा करेगा। उन्होंने अपने क्रांति के विचारों से हर चीज की परिभाषा को बदलने की कोशिश की। उन्होंने सब प्रकार की समस्याओं का समाधान अच्छे चरित्रवान युवाओं को बताया कि जिस देश में लोहे की मांसपेशियों वाले बलिष्ठ युवा होंगे, अच्छे मन वाले देशभक्ति का भाव वाले युवा होंगे, वहां समस्या टिक नहीं पाएगी। अब प्रश्न आता है कि आखिर युवा कौन होता है। तो कई बार हम लोग बात बात में एक बात की चर्चा करते हैं कि हमारा देश में 65% युवा है, लेकिन मित्रों वो युवा केवल संख्या की दृष्टि से है, वो केवल युवा उम्र की दृष्टि से है। हाँ, उनको जन्म लिए हुए अभी 16 साल हुआ है, 18 साल हुआ है, 25 साल हुआ है, लेकिन क्या केवल उम्र से ही कोई व्यक्ति युवा होता है? युवा होना कोई उम्र का संबंध नहीं है। युवा एक भाव है, युवा एक अभिव्यक्ति है अपने शरीर की, कि आपका शरीर सबसे ज्यादा उत्साहवान कब है, कौन सा समय है जब आप गलत चीज का प्रतिकार कर सकते हैं, कौन सा चीज समय है जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, कौन सा समय है जब आप अपने जीवन में परिवर्तन की बात कर सकते हैं, कौन सा समय ऐसा है जब आप पहाड़ों जैसी समस्याओं से टकराने की हिम्मत रखते हैं,
भरे समुद्र में कूद करके तार करके पार करने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे अनेक युवाओं का जीवन हम देखेंगे, हम याद करेंगे। भक्त प्रहलाद केवल 5 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ में प्रतिकार करते हैं ईश्वर के नाम की मान्यता के लिए। ईश्वर की मान्यता के लिए भक्त प्रहलाद संघर्ष करते हैं। वो 5 वर्ष की आयु का बालक क्या युवा नहीं था? वो नचिकेता जिसके पिता ने मृत्यु के देवता को उसे दान कर दिया, क्या वो नचिकेता छोटा बालक होने के बावजूद भी युवा नहीं था जिसने मृत्यु से प्रश्न खड़े किए? ऐसे ही जब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उम्र से तो वो 50 पार कर चुके थे, लेकिन देश की स्वतंत्रता के समय देश की रियासतों को एक करना, साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके जिसको जहां जैसा जवाब देना है वैसा करके एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से लोह पुरुष कहलाने का जो उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, क्या वो युवा नहीं थे? अभी अभी हमने लोगों ने देखा दशरथ मांझी द माउंटन मैन एक फिल्म आई थी, बिहार का एक गिलहोर गांव में एक व्यक्ति लगभग 60 वर्ष की आयु में उसकी पत्नी पहाड़ में चलते चलते गिर के मर जाती है। उसने उस पहाड़ को काटने का दृढ़ निश्चय किया, 22 वर्षों तक लगातार पहाड़ काटता रहा अकेला व्यक्ति। 82 वर्ष की उम्र में जाकर के वो पहाड़ रास्ता बना, 55 किलोमीटर की दूरी केवल 15 किलोमीटर की दूरी रह गई, क्या वो 82 साल का व्यक्ति युवा नहीं था? अनेकों ऐसे उदाहरण है। और आज 16 से 25 वर्ष की आयु के हजारों लाखों युवा अपनी जवानी को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, अपने समय को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, कैसे कैसे कामों में वो टाइम लगा रहे हैं, कैसी कैसी चर्चाओं में मशगूल है, किस किस प्रकार की वो अपनी जीवनचर्या अपना रहे हैं। यदि हम देखेंगे तो कौन युवा है और कौन युवा नहीं है, ये सब बातों को भी हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसके मन में उत्साह हो, जो शौर्यवान हो, जो सत्य हो और जो हर चीज से टकराने की ताकत रखता हो, ऐसा युवा। और ऐसे युवा के साथ में यदि हम एक और चीज जोड़ते हैं, वो स्किलवान हो, वो कोई ना कोई कुशलता हासिल किए हुए हो, वो जो युवा होगा वो 21वीं सदी में भारत का प्रतिनिधित्व हर स्थान पे करेगा। अब उसकी स्किल कैसी होनी चाहिए? स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे शब्दों में कहते थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अनेक प्रसंगों पे कहा, ये जो पूजा पाठ, ये जो मंदिर मस्जिद, ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इस सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो है अपना शरीर। अपना बलिष्ठ शरीर जो होता है, वो बलिष्ठ शरीर जो है ईश्वर की भक्ति में काम आएगा, देश की सेवा में काम आएगा। इसलिए एक बार के लिए गीता को छोड़ करके फुटबॉल के मैदानों में जाओ और पसीने बहाओ, कुछ वर्षों के लिए सभी देवी देवताओं की पुस्तकें, साहित्य, मंदिर मस्जिद पे ताला लगा दो और जाकर के केवल भारत माता की आराधना करो। इस प्रकार की भाव भक्ति से परिपूर्ण युवा 21वीं सदी में भारत का प्रतिनिधित्व समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में करेंगे। इसलिए आज के युवाओं को चरित्रवान तो बनना ही होगा, लेकिन चरित्रवान के साथ साथ में देशभक्ति का भाव उनके अंदर फूट फूट के भरा हो और साथ में उसे कुशलता प्राप्त हो। इसलिए सरकारें भी कोशिश कर रही है और समाज को भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि किसी भी प्रकार की योजना की सफलता केवल सरकार के बस की बात नहीं होती जब तक समाज में उसे सपोर्ट नहीं मिलता। और जब हम सब लोग मिलकर के पूरा समाज जागृत होगा और युवा वर्ग खास तौर पे ये जो पढ़ लिखने के बाद में डिग्री लेकर के हाथ फैलाने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, ये जो ऊपर हाथ रखने की प्रवृत्ति जब तक हासिल नहीं करेंगे,
सरकार के पैसे से चलने वाले महाविद्यालयों में मैंने डिग्री हासिल की है, ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद भी मैं बाहर निकल करके केवल रोजगार मांग रहा हूं। जब तक ये प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, पढ़ना लिखना नौकरी मांगने का अधिकार नहीं देता, पढ़ाई लिखाई हमें रोजगार करने के लिए तैयार करती है, रोजगार देने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार का मन जब हमारे देश के छात्रों का, युवाओं का बनेगा, तब हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को साकार अभिव्यक्ति देने में सफल होंगे। और इस नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, विद्यार्थी, कार्यकर्ता, शिक्षक, हम सब लोग मिलकर के अपनी अपनी क्लासरूम में, अपने अपनी इकाइयों पर, जहां भी हम काम करते हैं, वहां हम सब लोग मिलकर के इस प्रकार की अलग जगाएं, इस प्रकार की बात करें कि हमें सबको मिलकर के हमारे देश के युवाओं का मन बदलने की आवश्यकता है, उसके सोचने की दिशा बदलने की आवश्यकता है। आज एक एमए एलएलबी किया हुआ युवक भी सरकारी क्षेत्र में चपरासी बनने के लिए आवेदन कर देता है, किसकी कमी है? उसकी स्वयं की तो कमी है, लेकिन उसे पढ़ाने वाले शिक्षक की कमी है कि उस शिक्षक ने उसे उतना योग्य नहीं बनाया कि वो चपरासी रख सके अपने पास। वो चपरासी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से चपरासी की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, उसके सेवा के भाव पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं प्रश्न उठा रहा हूं उसकी वृत्ति के ऊपर। जब उसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एलएलबी कर ली, इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, तो उस पढ़ाई का उपयोग करते हुए समाज जीवन के क्षेत्रों में काम क्यों नहीं करता? आज बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जो नौकरी मांगता है, वरना तो इस 1.5 अरब की दुनिया में, भारतवर्ष में, कौन सा फील्ड ऐसा है जहां पर व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, काम करने वालों की आवश्यकता नहीं है? लेकिन हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने हमें रास्ता दिखाया है। वर्षों से जिस प्रकार की हम मांगे कर रहे थे, उस मांगों को पूरा करने का अब समय आया है। छोटी क्लास से ही विद्यार्थी को, बच्चे को स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, उस प्रकार की ट्रेनिंग, उस प्रकार का भाव उस बच्चे के अंदर भरने का काम करेगी नई शिक्षा नीति। कहीं न कहीं भारत और भारतीयता को प्रकट करने वाली नई शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी आज हमारी सबके सामने एक प्रासंगिकता बताती है। इस नाते जब पूरी दुनिया में कुशल श्रम की आवश्यकता है, अच्छे मस्तिष्क की आवश्यकता है, योग्य नेताओं की आवश्यकता है, मैं नेता का अर्थ केवल राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं करता, बिजनेस के क्षेत्र में अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, उन सब की आपूर्ति कौन करेगा? तो जिसके पास कुशलता होगी वो करेगा। इसलिए आज मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने जिस प्रकार से 21वीं सदी में स्वामी जी के विचारों की प्रासंगिकता पर विचार विमर्श किया है, उसमें से हमें खास तौर पे जो हम सब लोग विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो हम विद्यार्थियों को दिशा देने का काम करते हैं, उन विद्यार्थियों के भाव में, उनके विचार में कुछ करने का, कुछ देने का भाव भरना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी से भारत पूरी दुनिया में एक दिशा दे पाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इस नाते स्वामी जी ने चाहे संगठन की महत्ता बताई हो, चाहे उन्होंने समर्पण की पराकाष्ठा बताई हो,
अपने जीवन के माध्यम से, चाहे उन्हें महिला उत्थान की बात कही हो, इन सभी सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाने का जो समय है आज भारत के पास, अगली जो सदी है वो अवसर के रूप में देखता है। यदि यहां का युवा तैयार हुआ तो निश्चित रूप से ये जो सदी है वो भारत की सदी होगी और इसमें भारत के लोग सफल होंगे। और उस सफलता में हम लोग हर समय स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता को मानते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उनके विचार हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसी ही बात कह करके एक युवा के बारे में कहना चाहूंगा कि है हुनर हर एक में, है हुनर हर एक में, उसको तराशो और निकालो, काम ऐसे ही चलेगा कहकर उसको यूं न टालो। जो छुपा है बीज भीतर, जो छुपा है बीज भीतर, अंकुरित उसको करो तुम, मिट न जाए कला तुम्हारी, दब न जाए कला तुम्हारी, जो दिखे है कोरा कागज, रंग प्रतिभा के भरो तुम, उसे सहेजो और संभालो, है हुनर हर एक में, उसको तराशो और निकालो, उसको तराशो और निकालो। ऐसा हर किसी युवा को अपने एक अच्छा विचार, अच्छा आदर्श लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना, मैं समझता हूं कि आज के दिन की प्रासंगिकता होगी। और स्वामी जी के तेजस्वी विचार और जस्वी वाणी हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ऐसी ही बात कहकर के अपनी बात पूरी करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विक्रांत जी, आदरणीय विक्रांत जी ने जिस तरह से प्रस्तुति दी है और विवेकानंद जी के जितने आयामों को उन्होंने स्पर्श बहुत सीमित समय में किया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा को उन्होंने छू दिया, उनके व्यक्तित्व का उन्होंने स्पर्श करके हमें बताया कि कितने सारे आयाम उनके व्यक्तित्व में हैं और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित रूप से जब हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं 21वीं शताब्दी में, तो दो तीन समस्याएं आती हैं जिसका बहुत स्पष्ट उत्तर हमें मिलता है। सबसे पहली समस्या तो है कि कर्म का द्वंद्व हमारे सामने उभर कर आता है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे। और अगर आप स्वामी जी का जीवन चरित्र देखें तो उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे विपरीत परिस्थितियों में, तो ये एक कर्म की समस्या का समाधान 21वीं शताब्दी में जो है उसका समाधान हमें उनके जीवन से मिलता है। फिर उसके अतिरिक्त हमें जो उनके जो हम 21वीं शताब्दी में बौद्धिक द्वंद्व देखते हैं, भावनात्मक द्वंद्व देखते हैं, भाषा का दुरुपयोग देखते हैं, इन सब का भी समाधान हमें स्वामी जी के व्यवहार में भी मिलता है और उनकी वाणी में भी मिलता है। तो इसलिए हम उसका और अधिक विश्लेषण करें, समझें और उस मार्ग पर अग्रसर हों जो मनुष्यता का मार्ग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी को, जो उपाध्यक्ष भी हैं और निदेशक भी हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी के। उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें और उसके बाद जो है भारत विकास परिषद की ओर से धन्यवाद ज्ञापन श्री प्रदीप खेरा जी करेंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से डॉक्टर आशुतोष जी, और यदि कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी होगी तो वो हम उसके बाद ही लेंगे। सर, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र जी, सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज अपने को। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विचार गोष्ठी में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह जी, मुझे आप सबको आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर आशुतोष अंगिरस जी एवं सभी प्रतिभागियों को, जिनके बारे में मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो आयु में जितने भी
गिनती तक पहुंच गए हों, लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के कारण से, स्वामी विवेकानंद के अनुयायी और अनुगामी होने के कारण से युवा हैं, आप सबको, आप सबके भीतर के युवा को, आप सबके भीतर के विवेकानंद को मैं सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय विक्रांत जी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में बहुत सारे बिंदुओं को छू दिया है, और यूं भी कह दूं कि इतने सारों को छू दिया है कि छूने के लिए बहुत कुछ आज के संदर्भ में शेष नहीं बचा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु मुझे जो दायित्व आप लोगों ने सौंपा है, उसका निर्वहन किए बिना अगर मैं निकल गया इस सभा से, तो मैं आपका और स्वामी विवेकानंद दोनों का अपराधी होऊंगा, और ये अपराध किए करने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं है। आदरणीय मित्रों, स्वामी विवेकानंद जिस दौर में इस देश में थे और जिस रूप में आज हमारे बीच में एक विचार के रूप में, जीवमान विचार के रूप में विद्यमान हैं, आज की इस विचार गोष्ठी का, इस वेब गोष्ठी का जो विषय है, उनके उस विचार की प्रासंगिकता है, कितना प्रासंगिक है विवेकानंद नाम का व्यक्ति, विवेकानंद नाम का व्यक्तित्व और विवेकानंद नाम की विचारधारा, इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो जब हम उनके व्यक्तित्व की तरफ आते हैं, अभी हमने खंडेलवाल जी के माध्यम से विवेकानंद जी की तरफ निहारा, हम सब ने भी किसी न किसी रूप में उनको पढ़ा समझा जाना होगा। एक बार आइए, एक बार पुनः इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे साथ भी मिलकर स्वामी जी की पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व की तरफ निगाह डालते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने जो शख्सियत, जो व्यक्तित्व, जो आकार प्रकार विवेकानंद का उभर करके सामने आता है, वो है कि एक राष्ट्र जो कि गुलाम है, जो कि परकीय दास्ता की बेड़ियों में जकड़ कर बेसुध सा पड़ा है, स्वाभिमान शून्य है, जिसके यहां आमतौर पर समाज में ये धारणा बन चुकी है कि विदेशी हमलावरों को निकाल बाहर करना शायद संभव ही नहीं है, कौन लड़े इन पश्चिम वालों से, ये तो बड़े ज्ञानवान है, ये तो बड़े ताकतवर हैं, एक और दूसरी ओर हम कैसे लड़ सकते हैं, हमारे पास भला क्या है, इस तरह के यूं कहिए मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह में फंसकर बेसुध पड़ा हुआ राष्ट्र, उस समय में विवेकानंद का अवतरण होता है भारतवर्ष में, और स्वामी विवेकानंद इस चक्रव्यूह को तोड़ने का संकल्प लेते हैं। मैं उनके जीवन चरित्र पर, जीवन के घटनाक्रम पर बोलकर रिपीटेटिव होने का की त्रुटि नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को उस चक्रव्यूह को तोड़ने का उपक्रम बनाया। मेरे साथ मिलकर एक बार जब आप उधर देखेंगे उस दौर की तरफ, उधर देखेंगे उस व्यक्तित्व की तरफ, तो आप पाएंगे कि उन्होंने इस कार्य के लिए स्वयं उपक्रम बने, लेकिन उपकरण कौन से इस्तेमाल किए, कौन से शस्त्र अस्त्र लेकर के वो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकले। तो मुझे ये समझ में आता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को, उन तत्वों की समझ को अपना शस्त्र बनाया। भारत के समाज में स्वाभिमान का भाव अगर जागृत करना था, तो इसके लिए उन्होंने अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा के गौरवशाली तत्वों को खंगाला, उन पर जमी हुई धूल मिट्टी को साफ किया, और स्वाध्याय इतना गजब का किया, उन पर मंथन इतना दमदार तरीके से किया कि वे
उन उन विचारों को, उन उस ज्ञान परंपरा के मणिमौक्तिकों को न केवल सोए हुए मूर्छित भारत के लोगों के सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाए, अपितु सात समंदर पार शिकागो की धर्म संसद के मंच पर खड़े होकर के इस नौजवान हिंदू सन्यासी ने, नौजवान भारत के प्रतीक ने सारी दुनिया के सामने भी उनको इस अंदाज में प्रस्तुत कर दिखाया कि सब के सब वो चमत्कृत रह गए। यूं कहिए कि उन वो एक तरह से उनको लगा कि कोई देवी विभूति उनके सामने खड़ी है और कुछ ऐसा लेकर आ गए हैं जो उन्होंने कभी देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था। भारत के बारे में पश्चिम हो या अन्य जो भी मतावलंबी थे, सबकी धारणाएं नितांत नकारात्मक थी। इनके पास कुछ देने के लिए हो सकता है, इसकी कल्पना शायद सैकड़ों वर्षों से लोग छोड़ चुके थे, जानबूझकर छोड़ चुके थे, या हमारी चूक के कारण यह सिलसिला टूट गया था। कारण जो भी रहा हो, स्वामी विवेकानंद नाम के नौजवान ने, इस सन्यासी ने उस टूटी हुई परंपरा को एक झटके के साथ, नए सिरे और नई ऊर्जा के साथ जोड़ने में सफलता हासिल की। इस बिंदु पर चर्चा करते हुए विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता साथी से मैं यही कहूंगा कि और कुछ कीजिए न कीजिए, स्वामी विवेकानंद ने जिन बिंदुओं को, भारतीय संस्कृति के जिन श्रेष्ठ तत्वों को उस दौर में अपना शस्त्र बनाया, अपनी ताकत बनाया, भारत की ताकत बनाने की दिशा में समाज के सम्मुख नए अंदाज में प्रस्तुत किया, हमको आपको भी उन श्रेष्ठ तत्वों का स्वाध्याय अभ्यास करने की आवश्यकता है। हमको अपनी संस्कृति पर गर्व है, हमको अपने देश, अपनी ज्ञान परंपरा पर गर्व है, हमको अपने महापुरुषों पर गर्व है। केवल इतना कहना इतने इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारी स्थिति विवेकानंद जैसी होनी चाहिए कि घनघोर विपरीत परिस्थितियों में जहां कोई सुनने वाला ना हो, जहां कोई सुनने का मानस न रखता हो, जहां विरोध करने वाले लोग खड़े हो, विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता, आज का विवेकानंद अगर ऐसे लोगों के बीच में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी उठ खड़ा होता है और अपनी बात कहने लगता है, तो फिर उसको सुनने के लिए वो सब लोग विवश हो जाए। केवल शब्दों से नहीं आ सकती ये विवशता, उन मूल्यों, उन सिद्धांतों, उस जानकारी, उस ज्ञान तत्व के आपकी रगों में दौड़ने के कारण पैदा होती है। मैं कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का शिकागो का जो उद्बोधन, जिसको सब लोग, जिसकी चर्चा करते हैं, उसमें उन्होंने जो उन्होंने जो प्रारंभिक संबोधन वहां उपस्थित अमेरिका वासियों के लिए किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये संबोधन या इससे मिलते जुलते संबोधन उनसे पहले तीन या चार लोगों ने और किए थे। तीन या चार वक्ता जो कि अपने अपने फील्ड के, अपने अपने धर्म मत संप्रदाय के धुरंधर थे, उन्होंने भी माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये कहकर के उपस्थिति को संबोधित किया था। परंतु तालियां उनके उद्बोधन में कितनी बजी कोई नहीं जानता। सारा विश्व जानता है कि जब विवेकानंद बोले तो दो मिनट तक लगभग वो सभागार इस नौजवान, हरियाणवी में कहना हो तो छोरे, के भाषण के पहले दो तीन शब्दों को सुनकर गूंजती रही। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? स्वामी विवेकानंद जो कह रहे थे, जो बोल रहे थे, वो केवल शब्द नहीं थे। उन्होंने जो बोला, जो कहा, उसको अनुभूत करके, फील करके बोला, या यूं कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, कि वो जो कह रहे थे वो उसको स्वयं जीते थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, वर्तमान भारत के नौजवानों को भी इसी तरह से अपने जीवन को बनाना होगा, ढालना होगा। ये बहुत टेढ़ा या ओखा काम
नहीं है। रेलेवेंस की बात करें, स्वामी विवेकानंद जब हुए वो दौर तो गुलामी का दौर था साहब, उस दौर में तो दौरे हुकूमत विदेशियों की थी, उनकी जरूरत थी। आज उस बाबा उस नौजवान सन्यासी के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, उपयोगिता क्या है, आप क्यों हमको पीछे ले जाना चाहते हैं, आप पिछली से भी पिछली सदी में क्यों नौजवान को ले जाना चाहते हैं, ये सवाल कोई भी स्वाभाविक रूप से कर सकता है। और मैं ये कहता हूं कि हम सबको ये प्रश्न स्वयं से भी करना चाहिए और कोई हमसे दूसरा तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है। जब ये प्रश्न सम्मुख उपस्थित हो तो मेरे साथ आप विचारेंगे, उत्तर निकल करके आएगा कि चाहे आज का वैश्विक परिदृश्य हो, चाहे आज जिस वर्ल्ड ऑर्डर में, जिस विश्व व्यवस्था में हम आप जी रहे हैं, उस विश्व व्यवस्था के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां हों, चाहे भारतवर्ष के सम्मुख मुंह बाय खड़ी समस्याएं हों, या परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम का जो लक्ष्य हमने अपने भारत के लिए निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग की बाधाएं हों, या विद्यार्थी परिषद के युवाओं के व्यक्तिगत जीवन में जो अड़चने हैं, जो चुनौतियां हैं, जो सवाल उनको उद्वेलित करते हैं, उन तमाम सवालों के उत्तर आप और मैं, आप और हम, आप और हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री महोदय मिलकर स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके साहित्य, उनके कार्यों, उनके व्याख्यानों में तलाश सकते हैं। मैं एक एक छोटा छोटा सा सांकेतिक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग, या यूं कहिए सबके सब, इस विषय में मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं। मेरी भूमिका तो केवल कुछ चीजों को इंगित करने की है। आज विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है, अगर इसको व्याख्यायित करना हो, इसको अंडरलाइन करना हो, तो आशुतोष अंगिरस जी जैसे आचार्य, आदरणीय खंडेलवाल साहब जैसे जीवन को समर्पित करने वाले चिंतक विचारक, वो ये कहेंगे कि संसार में सारे देश वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं घर्षण और संघर्ष में या उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं विभिन्न मत संप्रदायों के बीच में संघर्ष है, कहीं राष्ट्रों के बीच में संघर्ष है, कहीं ये कहा जा रहा है कि संस्कृतियों का संघर्ष वो इनएविटेबल है, वो तो हो ही रहा है या वो तो होने ही वाला है। ये जो परिस्थिति है जिसका एक हिस्सा आज हम आतंकवाद के रूप में भी देखते हैं, छोटे बड़े जो युद्ध की परिस्थितियां, संग्राम पैदा होते हैं, हिंसक, जिसमें मानव के प्राण की हानि होती है, उन सब परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, और अगर एक वाक्य में कहना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है साहब, तो आपको पता चलेगा कि जहां शिकागो की धर्म संसद के मंच पर खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद अपनी बात कह रहे थे, और उस दौर में जो परिस्थितियां थी, आज भी संघर्ष विश्व भर में वैश्विक पटल पर वही है, वैसे का वैसा है। एक दूसरे के प्रति जो दुनिया भर में राष्ट्रों का, संस्कृतियों का नजरिया है, वो स्वयं को श्रेष्ठ कहने और दूसरे को न समझने वाला है। घर्षण वहीं पैदा होता है, परंतु हम आप स्वामी विवेकानंद के अनुगामी, स्वामी विवेकानंद यूं कहिए वंशज, ये गर्व के साथ कह सकते हैं, दोहरा सकते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के मंच से दोहराया था, कि हम उस सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा के संवाहक हैं जिसके विचार के आधार पर सारी दुनिया के संघर्ष मिट सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सत्य एक है, उसको कहने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही सही हूं, ये कभी भारत के किसी मनीषी ने, भारत के किसी ग्रंथ ने इस तरह की उद्घोषणा नहीं की। एकम सद
विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये भारत की ही तो घोषणा है। दुनिया की कोई विचार परंपरा इसके बराबर की, इसके आसपास की, इसके पासंग भी दिशा या सोच या विचार नहीं देती है। वैश्विक स्तर पर स्वामी विवेकानंद का रेलेवेंस इस बिंदु से मैं समझता हूं उसकी एक झलक आप अपने भीतर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्र के नाते भारत को परम वैभव पर ले जाना हम सबकी दिली तमन्ना है, हार्दिक इच्छा है। संघ की प्रार्थना में हर दिन हम ये उद्घोषणा करते हैं, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। हमको इस देश को तरक्की के, प्रगति के शिखर पर लेकर जाना है, वो खोया वैभव फिर लौटाना है जो हमने केवल किस्से कहानियों में अपने प्रेरकों से, खंडेलवाल साहब जैसे विद्वानों से सुना है। अब ये काम कैसे संपन्न होगा, इसके लिए काम तो चल रहा है, तमाम तरह के उपक्रम हो रहे हैं, तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, व्यक्ति, समाज, संगठन और सहयोग से सरकार, सब लोग इस दिशा में लगे हुए हैं। लेकिन इस कार्य को सर्वाधिक ऊर्जा देने का एक फॉर्मूला, एक सूत्र, एक बिंदु स्वामी विवेकानंद का मातृभूमि के प्रति नजरिया, दृष्टिकोण या उनकी धरती को, देश को देखने की शैली में मिलता है। वो वाली भावना मेरे और आपके भीतर भी उसी तरह से प्रज्वलित रहे, सजीव रहे, तो फिर अपन इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते। काम बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा तप उस दिशा में करना होगा। और वो क्या है, स्वामी जी जब विदेश से लौटते हैं, समुद्र के किनारे रेत पर अपने कपड़े उतार कर, वो रेत में लिटलिटी कहते हैं हमारे हरियाणा में, वो रेत में उलट पलट रहे होते हैं स्वयं को। कोई मेरे जैसा बावड़ा सा व्यक्ति पूछता है, बाबा क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो, तो उनका जो उत्तर है उसका एक हिस्सा ये भी था कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरे देश की मिट्टी है, लेकिन केवल मिट्टी नहीं है, ये मेरी माँ की गोद की तरह है। जैसे मैं अपनी माँ, जन्मदात्री माता की गोद में लेट करके स्नेह प्राप्त करता हूं, वात्सल्य प्राप्त करता हूं, वैसा ही मैं अपनी मिट्टी में, अपनी देश की इस समुद्र तट की रेत में लेट कर, उसके आगोश में पड़ा होकर या लिटलिटी लगाकर प्राप्त कर रहा हूं। दूसरा बिंदु उन्होंने ये भी कहा कि बाहर रहकर आया हूं, कुछ खराब चीजें मेरे भीतर आ गई होंगी, मैं अपनी इस मिट्टी के साथ, इस रेत में लेट कर, वो जो कुछ उसके अवशेष रह गए हों बाहर के, मैं उनसे भी मुक्ति पा रहा हूं। तो मातृभूमि के प्रति ये मां वाला भाव, मां जैसी अगर सोच, दृष्टिकोण प्रत्येक नौजवान का हो जाएगा तो फिर वो देश के लिए ही काम करेगा और किसी के लिए काम करने वाला नहीं है। आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी 21वीं सदी में स्वामी विवेकानंद, उनका विचार उतना ही रेलेवेंट है। साहब, आपको कभी अपने जीवन में यूं लगे कि सामने केवल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या किया जाए, कुछ हो ही नहीं सकता, चारों तरफ अवरोध ही अवरोध हैं, अंधकार ही अंधकार है, जिस तरफ कदम बढ़ाता हूं उधर समस्याओं को खड़े पाता हूं, जब भीतर से आपको यूं लगे कि साहस नहीं हो रहा कदम बढ़ाने का, तो अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों को, उनके साहित्य को, उसके किसी भी एक पन्ने को पलट करके पढ़ लीजिए, आपके भीतर कहीं कोई मानसिक, वैचारिक कमजोरी गलती से भी आ गई होगी, एक तो वो धुल जाएगी और दूसरा इतनी ताकत अंदर से आ जाएगी, आपके भीतर का हनुमंत जागृत हो जाएगा बिना किसी जामवंत के सम्मुख होते हुए, या यूं कहिए कि स्वामी विवेकानंद का साहित्य, उनके व्याख्यान, उनकी कोटेशंस, वो आपके लिए साक्षात जामवंत की तरह
उठ खड़े होंगे, प्रस्तुत हो जाएंगे और आप सामने खड़ी तमाम बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो आत्मविश्वास का भंडार है, वो ऊर्जा का सागर है, उसके भीतर अग्नि ही अग्नि भरी पड़ी है। वे नौजवान को इस्पात की भुजाओं वाला नौजवान कह करके पुकारते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं तो फिर शिक्षा को ऐसी शिक्षा मानने के लिए तैयार नहीं है जो केवल अक्षर ज्ञान देती हो, वो उस शिक्षा की बात करते हैं जो आपको श्रेष्ठतम मानव बनाने का दमखम रखती हो। तो मेरा ये कहना है, बहुत लंबा इस विषय को मैं ना भी लेकर जाऊं और एक वाक्य में चलते चलते अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ कहना हो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद वैश्विक स्तर पर भी, राष्ट्र के नाते भी, और मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी जितने रेलेवेंट शिकागो की धर्म सभा के मंच से बोलने के दिन थे, कम से कम उतने रेलेवेंट आज भी हैं। और कायदे से मूल्यांकन करेंगे तो कुछ लोग इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि उस दिन जितने प्रासंगिक थे विवेकानंद, आज उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। हम सब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस वर्ष ये संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम में से जाएं कि हम स्वामी विवेकानंद को यदि अब तक कम पढ़ा हो हमने उनके जीवन को, तो आज से लेकर के स्वामी विवेकानंद को पढ़ना शुरू करेंगे, और पढ़ने के बाद केवल पढ़ करके पुस्तक में पुस्तक को बंद करके नहीं रख देंगे, हम स्वामी विवेकानंद को जीने का प्रयास करेंगे। हम सबको अपने अपने स्थान पर, अपने अपने क्षेत्र में स्वयं एक विवेकानंद होना होगा, और हो सके तो वो जो उनका सपना था, वो इस तरह के या अपने जैसे मुट्ठी भर लोग उनको मिल जाएं तो भारत की तस्वीर बदल सकता हूं, ऐसी कल्पना किया करते थे। हम स्वामी विवेकानंद बने, स्वामी विवेकानंदों की एक फौज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में, अब तक भी अनेक विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व हमने इस संगठन के माध्यम से दिए हैं, आने वाले दिनों में ये कतार और बढ़े, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इस प्रक्रिया में मुझसे अपनी बात कहने में कहीं कोई चूक हो गई हो वाचिक रूप से, तो उसके लिए आप सब बड़ा हृदय रखते हुए क्षमा कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आपका उद्बोधन बहुत प्रभावी था, हमें विचार करने के लिए भी उसने प्रेरित किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैं और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और कोई बात नहीं बीच में कहना चाहता। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रदीप खेरा जी को कि भारत विकास परिषद की ओर से वो धन्यवाद ज्ञापन करें, और उसके बाद डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी सभी की ओर से और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, और फिर कोई अगर बातचीत शेष होगी तो हम करेंगे। जी प्रदीप खेरा जी। जी डॉक्टर साहब, परम आदरणीय श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, प्रोफेसर आशुतोष जी, और आज की इस वर्चुअल जो हमारी ये बैठक है, इसमें सभी जो हमारे सहभागी हैं, मैं देख रहा हूँ भारत विकास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सभी जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, तो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए है, क्योंकि समय की सीमा है, सिर्फ एक डेढ़ मिनट में अपना धन्यवाद प्रस्ताव करता हूँ। आज के इस हमारा जो ये बैठक थी, इसमें स्वामी जी के बारे में जो कुछ भी श्री विक्रांत जी ने और श्री वीरेंद्र जी ने दोनों ने कही, वो सच में एक ऐसी कई बातें थी जो आज से पहले हमें नहीं पता थी। तो मैं प्रोफेसर आशुतोष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको केवल हम स्वामी जी की जयंती पर ही ऐसा हम बैठ के ना करें, अपितु
साल भर में भी जब भी हमें मौका लगे तो हम इस तरह के उद्बोधन को सुनने का अगर हमें मौका मिले और फिजिकल करें तो और अच्छा रहेगा। मैं भारत विकास परिषद की तरफ से क्या कहते हैं एक आपको अपॉर्चुनिटी एक ऑफर देता हूं कि भी जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो भारत विकास परिषद उसको सहर्ष करने को तैयार होगा। मैं भारत विकास परिषद की तरफ से श्री विक्रांत खंडेलवाल जी उनकी ओजस्वी वाणी के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जिन्होंने की जो कि संस्कृत अपना ग्रंथ एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अपने संस्कारों से जिस तरह से एकेडमी को आगे लेकर गए हैं वो भी याद रखने योग्य रहेगा। तो मैं धन्यवाद के साथ एक बात कहना चाहूंगा जो स्वामी जी के शब्द थे कि किसी भी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सकें, क्योंकि तो आज के युवा को उसी जंग की दोबारा से जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप खेड़ा जी। भारत विकास परिषद का कार्यों से हम सभी अवगत भी हैं और पहले भी आपने किस तरह के आयोजन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारतीय इतिहास में जिस तरह के हिंदुओं के साथ एक बिट्रेल किया गया है उसको आपने आर्थिक सहायता प्रदान की थी जब एसटी कॉलेज ने उसके उस विषय के ऊपर चर्चा की थी और एक पूरा नेशनल सेमिनार किया था। और निकट भविष्य में भी हम कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन करेंगे। आपके इस सहयोग के लिए धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी को कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अपनी बात भी रखें और धन्यवाद ज्ञापन भी करें। सबको नमस्कार करता हूँ। काफी कुछ विक्रांत जी और वीरेंद्र जी आशुतोष जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो आप रीकनेक्ट कर लें, 2-3 सेकंड में रीकनेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक तो ऑन है आपका। डॉक्टर साहब सौरभ जी आप उनको फोन कर सकते हैं, मुझे लगता है वो डिसकनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट होंगे। जी वो मैंने बोल दिया। जी 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 ठीक है, एक आध मिनट हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा कर लेते हैं। और स्वामी जी की जीवन दर्शन जब तक वो जुड़ते हैं निश्चित रूप से उनका जो दर्शन है वो हमें समझना बहुत आवश्यक है। बिना दर्शन को समझे अगर हमारे में विश्वास आएगा तो वो हम खतरा पैदा कर देंगे। स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है और समझ के साथ स्पष्टता अगर नहीं है तो वो उचित नहीं होगा। और आप ये जो चित्र देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जब तक आशुतोष जी नहीं जुड़ते, ये जो दो चित्र देख रहे हैं ये दोनों इसी बात के द्योतक हैं कि पहले ध्यान में जाएं, समझें, जानें और फिर इस सृष्टि के ऊपर इस संसार को आप देखें। देखना तभी संभव होगा जब आप। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो शायद मेरी आवाज आ रही होगी। सौरभ जी आप सुन पा रहे हैं ना? जी गुरु जी आवाज आ रही है आपकी। तो आज देखिए कि कई बार लगता है कि पूरी दुनिया के धर्म शांति का संदेश देते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी लड़ाइयां धर्म के नाम पे हुई। जो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कोट की थी अमेरिका के एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आई डोंट कम टू कन्वर्ट यू इन न्यू बिलीफ, मतलब मैं आपको हिंदू धर्म के बारे में आप आकर के जान करके विश्वास मत करिए। आप जहां पे भी हैं, इफ यू आर ए
मेथोडोलिस्ट, कैथोलिस्ट, याकोबाइट, नाश्ता लेंगे, तो जो भी धर्म को मानते हैं उस धर्म को आप ठीक से समझिए। विक्रांत जी ने कहा कि हम कैसे आप निर्भर और नई शिक्षा नीति, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि अमेरिका में 2 साल जब वो रहे थे उसके बाद उनको 2 जगह से प्रोफेसरशिप ऑफर हुई थी। एक जगह जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ब्रांच थी, एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, बोथ प्लेसेज ही ऑफर्ड एज ए प्रोफेसर, इवन ही वाज हैड ओनली बीए डिग्री। जब उस समय प्रोफेसर के लिए पीएचडी और क्या क्या चाहिए होता था, दुनिया के सबसे 2 बड़े यूनिवर्सिटीज ने उनको ऑफर किया एंड सिंपली ही डिनाइड। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। और एक बार जब वो जापान से आ रहे थे तो उस समय जेआरडी टाटा थे, और जेआरडी टाटा के समय में उन्होंने कहा कि आप इंडिया में कुछ रिसर्च सेंटर खोलिए। और उस समय जेआरडी टाटा वाज एग्री एंड ही ओपन ए रिसर्च सेंटर इन कलकत्ता एंड ही ऑफर्ड स्वामी विवेकानंद टू बी द वाइस चांसलर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। एंड अगेन स्वामी विवेकानंद डिनाइड एंड ही सेड दैट आई एम नॉट फिट फॉर दिस पोजिशन बिकॉज आई हैव डिवोटेड माई होल लाइफ फॉर द जो हम धर्म के लिए करते हैं। तो बाकी बहुत सारी चीजें बता दिया गया। और धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले मैं विक्रांत जी पर आऊंगा, आपको अपना कीमती समय निकाले और आपसे तो बहुत कुछ सीखने को व्यक्तिगत रूप से भी मिला। कई बार कहने की इच्छा होती है तो कहने में डर भी लगता है, लेकिन स्वभाव में जो हमारे, जब भी हम कहते हैं कोई विचार हमारे स्वभाव में उतर जाए वो हमने आपको हमेशा पाया है। और जब भी कभी कुछ बड़े कार्यक्रम संगठन के होते हैं तो एक डर सा लगता है कि तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है ये जानता हूं, मगर थोड़ी दूर और चलो। आप हमेशा से विद्यार्थी परिषद के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जब से 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, आप अपने कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी को पहली बार सुनने और जानने का समय मिला, और सच तो ये है कि मैं पहली बार आपको सुन पाया और आपका नाम भी मैं नहीं जानता था, लेकिन आपकी आवाज और आपकी बात सुनकर बचपन के सब दिन जो संगीत शाखाओं में सीखते थे वो याद आ गए। और दूसरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने विवेकानंद जी के बारे में जो कोटेशंस बताए, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। समटाइम्स वी रीड लॉट ऑफ न्यूज एंड जीवनी पढ़ते हैं लेकिन विचार भूल जाते हैं, आपने विचारों को फोकस किया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे हमारे ही नाम के प्रोफेसर आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छे से संचालन किया। प्रदीप खेड़ा जी, थैंक्स फॉर योर ऑफर कि आप हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। इनफैक्ट विद्यार्थी परिषद हम तो खोजते रहते हैं कार्यक्रम करने के लिए स्थान, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारा संगठन 24/7 365 डेज वी आर वर्किंग एंड वी आर डूइंग सेवरल थिंग्स, बहुत चीजें हम करते रहते हैं। तो हम आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब करेंगे एंड एक्सेप्टेड योर ऑफर कि आपने इतना अच्छा हम लोगों को ऑफर दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक कविता पढ़ करके खत्म करूंगा। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्रपुरुष है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और हमारी हड्डियों को अगर गंगा जल में प्रवाहित किया जाएगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी। और आपने जिस तरह से एक प्रेरणादायक धन्यवाद ज्ञापन किया है वो वाकई इस सेमिनार के, इस चर्चा परिचर्चा के नितांत अनुकूल रहा है। निश्चित रूप से हमें प्रेरणा हो, हम एक दूसरे का उद्बोधन करें और एक दूसरे को प्रेरित करें, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये आयोजन बहुत सफल रहा है और कई लोगों को इसने उत्साहित भी किया होगा। अपने भीतर हम प्रश्न लेकर के जाएं और अपने समाधान जो हैं हम स्वामी जी के संदर्भों में पुनः विचार करें कि हम कैसे उनके अनुसरण करते हुए नए नए
समाधान देख सकते हैं, क्योंकि हर बार परिस्थितियां बदलती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सौरभ जी का, जिनके संपर्क के कारण ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और तो उनके मैं प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सौरभ जी, क्या हम समाप्त करें क्या इसको? जी जी, या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस धन्यवाद। सौरभ जी? जी गुरु जी, समाप्त कर रहे हैं। हाँ, आप अंतिम कोई बात कहना चाहें तो फिर हम इस सभा को आज समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। और यदि अगर कोई बात आपस में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप सभी का स्वागत है। और यदि किसी ने लिंक नहीं भरा है, लिंक शेयर किया है, तो उसको आप प्लीज भर सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब आप मीटिंग सभी लोग छोड़ सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, डॉक्टर रोहताश जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार, धन्यवाद मैडम अंजलि, थैंक यू सो मच। हाँ जी रोहताश जी, कैसे? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच।